Alhamdulillah Rabbil Alamin wa usalli wa usallimu ala al-mabu'uthi rahmatan lil alamin Sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Amma ba'du fa'udhu billahi minash shaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Amma yatasaaluna 'anil naba'il 'adzim alladhi hum fihi mukhtalifun kalla sayalamuna thumma kalla sayalamun alam naj'alil arda mihada wal jibala awtada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna nawmakum subata wa ja'alna al-layla libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha wa banayna fawqakum sab'an shidada wa ja'alna sirajan wahhaja wa anzalna minal mu'ashirati ma'an fajjaja li nukhrija bihi habban wa nabatan wa jannatin alfafa inna yawmal क्या हमने जमीन को बिछोना
ये तकरीबन सूरह नबा की कुरान के 30वें पारे की सबसे पहली सूरत है और इसकी 20 आयतें मैंने तिलावत की हैं और तर्जमा किया है। हजरत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुम इरशाद फरमाते हैं कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब कुरान करीम नाज़िल होना शुरू हुआ, उतरना शुरू हुआ, तो कुफ्फार आपस में बैठ कर कुरान के सिलसिले में बातें करते थे। वो अरबी ना थे, अच्छी तरह उनको अरबी आती थी, फुसहा और बुलागा उनमें मौजूद थे, तो वो कुरान के सिलसिले में आपस में बहस व मुबाहसा करते थे कि कुरान में ये नाजिल हुआ, ये बात उतरी, ये हुक्म नाजिल हुआ। तो चूंकि कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला ने कियामत का तज़किरा कसरत से फरमाया है, इसलिए कि हर इंसान को इस दुनिया से जाना है और दुनिया से जब मर कर आदमी ख़त्म हो जाएगा तो फिर यहाँ से एक दूसरा आलम शुरू होगा और ये आलम बरज़ख आलम आखिरत की तरफ ले जाएगा। और दुनिया में आज तक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर अब तक और अब से लेकर क़ियामत तक कोई इंसान ऐसा पैदा नहीं होगा जिसको आखिरत के दिन जमा न किया जाए। तो अल्लाह तबारक व तआला ने जगह जगह पर आखिरत का क़ियामत का तज़किरा फरमाया कि वो ज़रूर आकर रहेगी, बड़ी हौलनाक होगी, बड़ी ख़तरनाक होगी और मुख्तलिफ़ मुख्तलिफ़ उसके हालात का तज़किरा क़ुरान करीम ने बयान फरमाया। तो आपस में बैठ कर काफिर लोग मजाक उड़ाते थे कि क़ियामत के बारे में क़ुरान में आयतें नाज़िल हुई हैं, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आकर काफिर पूछते थे कि क़ियामत कब आएगी, क्यों नहीं आ रही है, अभी आ जाना चाहिए था, अब तक क्यों नहीं आ रही है, ऐसे मन घड़त सवाल करते थे और मजाक उड़ाना मकसद होता था, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ठट्टा करते थे। और इसी तरह हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर क़ियामत के सिलसिले में बातें मालूम करते थे तो उनमें दो गरोह हो गए थे, एक गरोह क़ियामत को मानने वाला था और एक गरोह इनकार करने वाला था। तो इसी के सिलसिले में अल्लाह तबारक व तआला ने नक्शा खींचते हुए फरमाया अम्मा यतसाअलून, ये क़ियामत का इनकार करने वाले काफिर किस चीज के बारे में पूछ रहे हैं, अन ये हर्फे चार है, किसी चीज के बारे में पूछने को अन इस्तेमाल किया जाता है, अन मा ये इस्तेफामिया है, सवाल करने के लिए मा का इस्तेमाल अरबी में होता है, अन के माने बारे में, मा के बारे मा के माने क्या है, अन मा है असल में, इसमें अलिफ को गिरा दिया गया, फरमाया गया कि किस चीज के बारे में ये लोग सवाल कर रहे हैं, अनिल नबिल अजीम, फिर खुद अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि जिस चीज के बारे में सवाल करने की ये लोग बात कर रहे हैं वो आखिरत का दिन है, कियामत है, इससे मुराद अनिल नबिल अजीम उस बड़े वाकये का हाल दरियाफ्त करते हैं जिसमें ये लोग हक वालों के साथ इख्तिलाफ कर रहे हैं। हक वाले कहते हैं कि इंसान चंद रोजा जिंदगी गुजारने के लिए आया है, जिंदगी खत्म हो जाएगी, मौत आ जाएगी, फिर इसको कियामत में अपने किए हुए तमाम कामों का हिसाब देना पड़ेगा, अपने तमाम किए हुए कामों का जवाब देना पड़ेगा। तो हक वाले ये कहते हैं और जो हक का इनकार करने वाले काफिर हैं वो कहते हैं कि नहीं, हमारी जिंदगी दुनिया की ही जिंदगी है, हम जब मर जाएंगे तो मिट्टी बन जाएंगे, फिर दोबारा हमें कोई ताकत उठा नहीं सकती, दोबारा कोई ताकत हमें पैदा नहीं कर सकती, हम मिट्टी बन जाएंगे, बस खत्म। तो अल्लाह तबारक व तआला ने अहले हक के साथ कियामत के आने और न आने के बारे में जो काफी इख्तिलाफ कर रहे हैं उसका तज़किरा
Bye.
कपड़ों से अपने बदन को अपने सदन की छुपाने की चीजों को छुपाता है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने रात को लिबास कहकर ये फरमाया कि जब आदमी सोने के लिए जाता है तो उसे किसी ना किसी कपड़े की जरूरत होती है, कंबल की जरूरत होती है, जिससे अपने सारे बदन को छुपाता है और सुकून हासिल करता है नींद करके। तो अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं हमी ने रात को पढ़ने की चीज बनाया, लिबास बनाया, रोटी कमाने को कारोबार को, हमने दिन को कारोबार का वक्त बनाया, रात को आराम करने का वक्त बनाया। वो बदलना फौकुम सबअन शिदादा, और हमी ने तुम्हारे ऊपर सात मजबूत आसमान बनाए कि जब से ये आसमान बने हैं आज तक इसमें कोई दरार नहीं पैदा हुआ, कोई आसमान आकर जमीन में नहीं गिर गया, किसी आसमान में किसी चीज की वजह से खराबी नहीं पैदा हुई। जो रोजाना सुबह होते ही निकलता है, शाम होते ही डूबता है, इससे मुराद सूरज है। हमने ही सूरज बनाया। वअनज़लना मिनल मुअस्सिराति माअन सज्जाजा, और हम ही ने पानी से भरे हुए बादलों से कसरत से पानी बरसाया। लियुख्रिज बिही हब्बन व नबाता, ताकि हम उस पानी के जरिए से गल्ला अनाज और सब्जा उगाए। वजन्ना बनाए, और नींद तुम्हारे लिए
तो भी आदमी के लिए मुश्किल हो जाता। आगे अल्लाह फरमा रहे हैं कि हमने रात को लिबास बनाया और दिन को कमाने का कारोबार का जरिया बनाया। तो अल्लाह अल्लाह अगर सारे दिनों को रात ही रात बना देते, सारी जिंदगी को रात ही रात बना देते, तब भी आज आदमी के लिए मुश्किल हो जाता। और सारी जिंदगी सिर्फ दिन ही दिन होता, तब भी आदमी को सोने और नींद की राहत से दूरी इख्तियार करना पड़ता। तो अल्लाह तबारक व तआला ने नींद को बना करके हम पर एक बहुत बड़ी नेमत को उतारा है कि हम नींद के जरिए से अपनी सारी थकान को दूर करते हैं। एक मामूली गरीब भी होता है और कमजोर तबके का इंसान भी होता है, वो आज खुले आसमान के नीचे कंबल ओढ़कर आराम की नींद सोता है और उसे राहत मिलती है। एक मालदार है, उसके पास नरम नरम गद्दे हैं, बेहतरीन बंगले हैं, एसी लगा हुआ है, गर्मी के मौसम में ठंडी ठंडी हवा आती है और ठंडी के मौसम में हीटर लगा हुआ होता है, गर्म गर्म हवाएं आ रही होती हैं, सारे ऐशो आराम की चीजें होती हैं। लेकिन अल्लाह ने जिनको नींद की नेमत से नवाजा है, वही नींद से फायदा उठाते हैं और राहत हासिल करते हैं। सारी चीजें मौजूद है, बंगला है, एसी है, नरम नरम गद्दे हैं, और फिर ठंडी में गर्म और गर्म करने के लिए और गर्मी में ठंडी पैदा करने के लिए सारे आलात मौजूद हैं। लेकिन अल्लाह ने उसको नींद की नेमत से महरूम कर दिया। अब वो रात में नींद न आने की वजह से परेशान है। रात में कई मालदार ऐसे हैं जो नींद की गोलियां खाकर सोते हैं और कई लोग ऐसे हैं जिनको गोलियां खाने के बावजूद नींद नहीं आती। इससे पता चलता है अल्लाह की कितनी बड़ी नियामत, हम सबको इसकी कदर करनी चाहिए। और अल्लाह ने इसको जबरी तौर पर भी बंदों पर उतारा। एक आदमी उसके ऊपर बहुत ज्यादा काम डाल दिया गया है, तुमको ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है। वो आदमी अपनी जिम्मेदारी का ख्याल करके कामों के पीछे लगता है, काम करता है, लेकिन फिर उस पर अल्लाह नींद आई फरमाते हैं। नींद आती है, काम करते करते यूं ही घूमने लगता है, सोने लगता है। अल्लाह ने नींद को राहत की चीज बनाया कि आदमी सोना ना चाहे फिर भी नींद जबरदस्ती ला करके अल्लाह उसको आराम पहुंचाना चाहते हैं, राहत देना चाहते हैं। ये अल्लाह की मेहरबानी नहीं है तो फिर क्या है? वजअल्लैला लिबासा, हमी ने तुम्हारे हमी ने रात को पढ़ने की चीज बनाया। आदमी अगर रात के मौके पर सिर्फ एक आदमी को नींद आने वाली होती, दूसरों को नींद ना आती, या इंसानों को नींद आती, दूसरी मखलूक को रात में नींद ना आती, तब भी सुकून हासिल करना मुश्किल हो जाता। अल्लाह ने सब पर नींद तारी कर दी, सारी मखलूक पर नींद तारी कर दी और दिन के उजाले को अंधेरे में तब्दील फरमाया कि आदमी खामोश बिल्कुल सनसनाहट में अपनी नींद करता है। जरा बराबर आवाजें आने लगे तो नींद में खलल पैदा होता है। अल्लाह ने रात को लिबास बनाकर पर्दे की चीज बनाकर भी हम पर एहसान फरमाया है, अपनी कुदरत काबिलियत का इजहार फरमाया है कि सारी मखलूक पर नींद तारी हो गई, रात का अंधेरा छा गया, तो अब सारे आराम से सुकून से सो रहे हैं। वजअलनाहार माशा, और हम ही ने दिन को कमाई का वक्त बनाया। अगर अल्लाह दिन को कमाने के लिए न बनाते और रात ही रात रहती, तो फिर हम कहाँ से खाते, अपनी जिंदगी कहाँ से गुजारते, अपनी बीवी का खर्च, अपने बच्चों का खर्च, खुद अपना जाती खर्च कहाँ से संभालते? सिर्फ सोते ही रहते तो जिंदगी का कोई मकसद ही नहीं था। लिहाजा अल्लाह ने रात को नींद के लिए और दिन को कमाने के लिए बना दिया। फिर अल्लाह फरमाते हैं वो बनैना फौकुकुम सब्अन शिदादा, हमारी कुदरत का इजहार तो देखो कि हमी ने तुम्हारे ऊपर सात मजबूत मजबूत आसमान बनाए हैं। और फिर हमारी कुदरत को देखो कि
ये सारी कुदरतें हमारी हैं और जो चीजें पहले से नहीं थी उसको हमने बनाया, तो जो चीज बाद में पैदा हो गई उसको दोबारा उठा करके खड़ा करना, दोबारा जिंदा करना हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं है। एक आदमी को कोई चीज बनाने के लिए कह दो, उसने वो चीज ना देखी हो अब उसको बहुत मुश्किल होगी, उसके दिमाग में नहीं आएगा कि जिस चीज को मैंने देखा ही नहीं, उसकी शक्ल और सूरत मेरे दिमाग में नहीं है, मेरी आंखों ने कभी वो नजारा नहीं देखा है, मैं उसको कैसे बनाऊं। आदमी कहेगा मुझे उसकी कोई शक्ल तो दिखाओ, उसका नमूना तो दिखाओ, तब मैं बनाऊंगा। अल्लाह के लिए कोई मुश्किल नहीं हुआ जो चीज नहीं तो नहीं थी उसको वजूद में लाने के लिए, तो अल्लाह ने जो मुश्किल काम था उसको अपनी कुदरत से कुदरत काबिला से पैदा फरमा दिया, तो अब जो चीज पहले से नहीं थी उसको पैदा फरमाने के बाद जब वो मर जाए मिट्टी में मिल जाए तो दोबारा उठाकर खड़ा करना अल्लाह के लिए ये मुश्किल है या पहले का काम मुश्किल था? जब पहले से मौजूद नहीं थी चीजें अल्लाह ने बगैर नमूने के उनको बनाया, ये मुश्किल काम अल्लाह ने कर दिया, तो अब जो चीज पहले से है इंसान पैदा है उन पैदा अल्लाह ने फरमाए हैं, तो अल्लाह के लिए दोबारा इन इंसानों को पैदा करना कोई मुश्किल नहीं है। और कयामत में अल्लाह तबारक व तआला तमाम इंसानों को अपनी अपनी कब्रों से जिंदा करेंगे, इन यौमल फस्ल कान मीकाता, अपनी कुदरतों को जाहिर करने के बाद तो अल्लाह ने हकीकी जो है तालीम फरमाई, इन यौमल फस्ल कान मीकाता, बेशक फैसले का दिन मुकर्रर है मुतय्यन है वो आकर रहेगा, उसमें हर एक का फैसला होगा किसने क्या किया, किसने कैसे कमाया, किसने अपनी जिंदगी कैसे गुजारी, हर एक को उस दिन फैसला मिलेगा और वो फैसले का दिन मुतय्यन है मुकर्रर है कि कब आना है, किस वक्त आना है, किस दिन आना है, सब मुकर्रर है। बस बात इतनी है कि इंसानों को मालूम नहीं है, यौम युनफखु फिस्सूरि फतअतूना अफवाजा, जिस दिन सूर फूंका जाएगा फिर तुम लोग डरो डर डरो होकर आओगे। हजरत अबू